फ्रेंड्स, बात करूंगी आज एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसकी मदद से आप प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, प्लांट को इंसेक्ट से फ्री रख सकते हैं और प्लांट में फूलों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ये टैबलेट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसी टैबलेट के बारे में मैं आज बात करूंगी। ये कौन सी टैबलेट है, किस तरह से इसका यूज़ करना है और ये हमारे किन प्लांट्स के लिए उपयोगी है, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय हमारे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक कर रहे हैं। यदि गुड़हल में मिलीबग की बात करें या फिर किसी तरह के काले कीड़े की या प्लांट्स में लगने वाले एफिड्स की बात करें तो ये प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और हमारा प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो हमें प्लांट के लिए कुछ ऐसी चीज़ें देनी होती हैं जो कि प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाएँ और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो। तो ये जो मैं गोली यूज़ करूँगी प्लांट में, ये एक गोली ही हमारे प्लांट के लिए काफ़ी है और ये हमारे प्लांट में इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, साथ ही प्लांट की ग्रोथ को तेज करेगी, प्लांट में फल और फूल लाने में मदद करेगी। इसके पहले आपको 2 से 3 बातें प्लांट के लिए ध्यान रखनी है जो कि प्लांट में अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें फूल लाने के लिए मदद करती हैं। सबसे पहली बात है, अभी इस समय सर्दी के मौसम में धूप बहुत कम हो जाती है तो आप प्लांट को शेडी एरिया में ना रखें, क्योंकि जो फूल वाले पौधे होते हैं वो फुल सनलाइट में बहुत अच्छी फ्लॉरिंग करते हैं। यदि आप उन्हें छाया में रखते हैं तो प्लांट में आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र डालते हैं प्लांट फूल नहीं देगा, या फूल आएंगे तो बहुत ही छोटे आकार के आएंगे। इसके बाद दूसरा काम, मिट्टी की गुड़ाई करना है। मिट्टी की महीने में एक बार ज़रूर गुड़ाई करें, जिससे जड़ों का तेज़ विकास होगा, जड़ों को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलेगी। साथ ही पानी देते समय इस बात का आप ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा देर तक रुका ना रहे और पानी की मात्रा भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि यदि मिट्टी लंबे समय तक गीली रहती है तो जड़ें गलने लगती हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट ख़राब हो जाता है। इसलिए आप अपने प्लांट के पॉट का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतर बनाने की कोशिश करें, जिससे कि मिट्टी में किसी तरह का पानी का रुकाव ना हो। समय समय पर प्लांट्स में सूखे हुए फूलों या ख़राब टहनियों को हटाते रहें और यदि प्लांट्स में बर्ड्स आने लगी हैं तो आप उनकी प्रूनिंग ना करें। इस तरह से छोटी छोटी सी बात का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्लांट लंबे समय तक फूल देगा और ग्रोथ करता रहेगा। तो ये जो मैं टैबलेट इस्तेमाल कर रही हूँ, ये विटामिन सी की टैबलेट है और विटामिन सी की गोलियाँ हमारे घर में अक्सर आती रहती हैं, कई बार वो एक्सपायर्ड हो जाती हैं तो उन एक्सपायर्ड टैबलेट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो काफ़ी आसानी से मार्केट में बहुत कम दाम में ये मिल जाती है। एक टैबलेट ही हमारे प्लांट के लिए काफ़ी है, इसकी हमें ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है और ये प्लांट में इम्यूनिटी डेवलप करती है। प्लांट की इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो प्लांट में कीड़े या किसी तरह की डिसीज़ लगने की आशंका बहुत कम हो जाती है। इसमें जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट की जड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसका यूज़ करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप इसे 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका है इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करने का, इसको आप अच्छी तरह से पीस लें। इस तरह से इसको पाउडर फॉर्म में हमें पीस लेना है, इसके बाद हमें डायरेक्ट इसे सॉइल में यूज़ करना है। तो एक टैबलेट को आप 2 से 3 प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं पॉट की साइज़ के हिसाब से। तो इस तरह से आपको प्लांट की मिट्टी को साइड से हटा लेना है और उसमें तकरीबन 1/4 चम्मच इस टैबलेट के पाउडर को डाल के मिट्टी से वापस ढक देना है और ऊपर से पानी डाल देना है। लेकिन बहुत ही आसान तरीका मैं दूसरा बता रही हूँ आपको, ये प्लांट पर बहुत जल्दी असर दिखाता है। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है और हमने जो 1 टैबलेट का पाउडर बनाया है उसको इस पानी में डाल देना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, चाहे तो आप 5 से 10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दें, पूरी तरह से टैबलेट घुल जाए उसके बाद ही यूज़ करें। घुलने के बाद हमें इसे अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। तो फ्रेंड्स, घर में रखी हुई इन टैबलेट्स का आप यूज़ करें और अपने प्लांट को अच्छी ग्रोथ दें। थैंक यू।